देखिए, पूरे भारत वर्ष के सारे बैंक अधिकारी 26 और 27 दो दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं मर्जर और वेज रिवीजन की डिमांड पे, मर्जर का विरोध और अर्ली सेटलमेंट के लिए डिमांड कर। देखिए, हम लोगों का डिमांड जो है, सबसे पहले तो ये है कि जो बैंकों का मर्जर किया जा रहा है वो कतई गलत है, वो देश के लिए घातक है, देश की जनसंख्या के लिए घातक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने वाला है। आप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रदर्शन करके लगातार आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अभी तक आपको सिस्टम से, सरकार से आपको इसका रिस्पांस मिला है, सरकार ने आपको क्या जवाब दिया? हमने इस महीने के शुरू में सरकार को ये दो दिन की हड़ताल का और नवंबर में होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस दिया था। उसके बाद सरकार हमारी थोड़ा सा जागी थी और 17 सितंबर को IBA ने, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने, सारे बैंक कर्मचारी अधिकारियों की बैठक करके इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करी थी। उसके बाद 19 तारीख को सेंट्रल लेबर कमिश्नर के कार्यालय में उसके ऊपर चर्चा हुई, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और IBA के अड़ियल रवैये की वजह से, रवैये के कारण कोई समझौता नहीं हो सका। किस तरह का नुकसान होगा अगर बैंकों का विलय हो जाएगा? देखिए, बैंकों की सबसे बड़ी समस्या जो सरकार हमारी कहती है वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, जो लोन रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। हम बार बार डिमांड करते रहे हैं कि हिंदुस्तान के सारे बड़े डिफॉल्टर्स के नाम पब्लिक को बताए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे चुका है, लेकिन चूंकि सरकार के सरमाएदारों के ही लोन्स हैं, हिंदुस्तान का करीब करीब 80% NPA 100 मुख्य परिवारों के पास है, इसलिए सरकार उनका नाम नहीं बताना चाहती। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नहीं बता रही है, RBI के कहने के बाद भी बताने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर वो रिकवर कर लिया जाएगा तो बैंकों में कोई समस्या ही नहीं है, बैंक सारे प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लगातार दे रहे हैं। देखिए, इलाहाबाद बैंक एक बड़ा बैंक है, उसको इंडियन बैंक जो एक छोटा बैंक है उसमें विलय किया जा रहा है। हिंदुस्तान में क्या दुनिया में शायद ये पहला अपने आप में एक घटना होगी जिसमें बड़ा बैंक छोटे बैंक में मर्ज किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसके नाम के आगे से उत्तर प्रदेश और कलकत्ता के उसके हेडक्वार्टर की वजह से उसे साउथ के एक बैंक के साथ मर्ज किया जा रहा है, इंडियन बैंक के साथ, जिसमें नंबर ऑफ कर्मचारी कम है, जिसका पोर्टफोलियो कम है, जिसका नंबर ऑफ ब्रांचेस भी कम है। सर, सरकार की बेतुकी या अधिकारी विरोधी नीतियों के चलते हम लोगों को सड़क पे आना पड़ा, हम लोगों को दो दिन की हड़ताल करना पड़ा, तमाम सारी बातचीत के राउंड्स किए हुए लेकिन उससे कुछ सफलता नहीं निकली, सरकार के अड़ियल रवैये में कोई भी सुधार नहीं हुआ, जिसके कारण हम लोगों को आखिरी में हड़ताल डिक्लेयर करनी पड़ी। सर, हम लोग सड़क पर आई इसलिए रहे हैं कि जनता को शामिल किया जाए। हमारे जितने भी मुद्दे हैं सामाजिक मुद्दे हैं, जो आपको इधर लड़ाई के लिए दिख भी रहे हैं, हमारे अध्यक्ष या हम हैं या उपाध्यक्ष जी हैं, ये लोग तो जाने वाली पीढ़ी है, केवल हम आने वाली पीढ़ी और समाज के लिए ही आज बैंकर सड़क पे है। आज जितने भी, अगर रोजगार नहीं होगा, आगे मर्जर होगा, तो इसमें केवल समाज का ही नुकसान है, समाज का ही। अगर बैंकों में जिस तरीके से लोन मेले करके ऋण बांटे जा रहे हैं, मुद्रा में जबरदस्ती ऋण दिलवाए जा रहे हैं, इस तरीके से तमाम सारी चीज़ें
की जा रही हैं, जिसे लोगों के ऋण माफ किए जा रहे हैं इंडियन बैंकरप्सी कोड के तहत, तो ये सब जनता का धन है, जनता का धन ही बर्बाद किया जा रहा है, जनता के धन पे ही नेतागिरी हो रही है। हम एक सामान्य बैंकर जनता के धन का ट्रस्टी है, अगर उसने 100 रुपए लिए हैं तो उसको 125 रुपए करके उसको देना है, उसी ब्याज से उसको भी देना है और अपनी भी रोजी रोटी चलाना है। सरकारी नेताओं का रवैया है कि जनता के धन पर नेतागिरी करना, उसका विरोध हम तो लगातार कर रहे हैं और जनता को समझाने का भी कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपका भी योगदान बराबर है कि आप भी इस सामाजिक दायित्व का निर्वाह करें और लोगों को इस बारे में जागरूक करें। हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं कि लोगों को इस पर जागरूक होना चाहिए कि उनके पैसे पर नेतागिरी हो रही है। हम लोग, जैसा कि बताया गया, मीडिया चतुर्थ स्तंभ है, आप लोकतंत्र के सजग पहरी हैं, इसलिए आपके माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि कितना बड़ा खतरा आने वाले समय में देश के ऊपर होगा। हम पहले भी समय समय पर बताते रहे हैं कि जो आर्थिक मंदी आई है उसके बाद जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से कंपनियां बंद हुई, जैसे रोजगार नहीं मिल रहा है, हर विभाग में आज कम से कम 20-25% पद खाली पड़े हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है। वहीं संविदा के आधार पर भर्तियाँ हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरियाँ दी जा रही हैं। जो बैंकों का विलय किया जा रहा है उसे अर्थव्यवस्था नहीं है, सिर्फ राजनीति है। हम सिर्फ राजनीति के लिए आप अर्थव्यवस्था को तबाह करने जा रहे हैं, ये उचित है। शाखाएं बंद हो जाएंगी, शाखाएं बंद हो जाने से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सर्विस नहीं मिलेगी। अभी भी भारत में नागरिकों की संख्या के अनुपात में शाखाएँ कम हैं, पाकिस्तान जैसे देश के बराबर नहीं है, और आप यहाँ शाखाएं बंद करने जा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 900 शाखाएं बंद करने का प्रस्तावित किया, स्टेट बैंक का जो मर्जर हुआ उसमें तमाम शाखाएं बंद हुई, VRS दिया जाता है, लोग चले जाते हैं, जो लोग रिटायर हो रहे हैं भर्तियाँ हो नहीं रही हैं, तो इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। देश का पैसा, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महामंत्री ने बताया कि देश का पैसा सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए किया जा रहा है, इससे हम जनता को आगाह करना चाहते हैं। किस तरह का विरोध आप लोग करेंगे आगे? हम लोग लगातार, जब से विलय की घोषणा हुई है, हम 31 तारीख से लगातार विरोध कर रहे हैं। हमने लगातार मार्च निकाले, प्रेस में दे रहे हैं, आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं। 25 तारीख को हम कैंडल मार्च निकालेंगे, 26-27 को 2 दिन की हड़ताल करेंगे, उसके बाद सरकार का रवैया देखेंगे, और नहीं होगा तो हम नवम्बर के 2वें सप्ताह में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। या बैंकों को खत्म करने की कार्यक्रम चल रहा है, अगर इससे ऐसा रहा तो आपको नहीं लगता कि एक बड़ी जनता का जो है बैंकों से विश्वास खत्म हो जाएगा और बैंकों में लोग आना कम कर देंगे, पूरा एक देश का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाएगा? नहीं, एकदम से जनता का ही तो भरोसा है राष्ट्रीयकृत बैंकों में, और उसी भरोसे को बनाए रखने के लिए हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, ताकि जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिस तरह से देश की जनता, गरीब जनता, ग्रामीण क्षेत्र, पिछड़े हुए क्षेत्रों की सेवा की गई, आर्थिक उत्थान किया गया, वो यात्रा हमारी सतत जारी रहनी चाहिए। हम सिर्फ कुछ कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, कुछ व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसको जो है पहले कंसोलिडेशन के नाम पर मर्जर करेंगे, उसके बाद उसका प्राइवेटाइजेशन करेंगे, इस साजिश को पर्दाफाश करने के लिए हम लोग सड़क पर हैं। इसीलिए प्रेस को बुलाया है, आगे हम लोग इसकी बात करेंगे और लगातार देश की जनता को बताएंगे कि गुमराह होने से बचें, ये बहुत ही खतरनाक मूव है।